तो अब स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे बढ़ता ठंड और गिरता कारोबार। एक बार फिर मौसम ने अपने मिजाज बदल दिए हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश तक ठंड का असर दिखाई दे रहा है। घने कोहरे के साथ साथ शीत लहर ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दक्षिण भारत में जहां बारिश जोर से दिखाई दे रहा है, वहीं उत्तर भारत में कई राज्यों में शीत लहर और कोहरा ने कोहराम मचा रखा है। बढ़ती ठंड से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के कारोबार भी ठप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण ठंड और कोहरे ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की चादर से जनजीवन थमता जा रहा है। कोहरे की वजह से मिनटों का सफर घंटों में बदल गया है। उत्तराखंड के काशीपुर में यात्री सड़क किनारे आग का सहारा लेकर घंटों बसों का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। मौसम की मार सभी तरह के कारोबार पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अपील करना चाहता हूं कि इस समय ठंड जो है पूरे अपने शबाब पर है और ठंड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस समय बच्चों को, बूढ़ों को और युवाओं को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पूरे उत्तराखंड और पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर चल रही है और ये शीतलहर बहुत खतरनाक अपना रूप लेती है और लोगों को, जो कमज़ोर लोग हैं, उन्हें अपने ज़रूरत के अनुसार ही घर से निकलें। टैक्सी चालकों की बुकिंग बंद हो चुकी है और सुबह से शाम तक टैक्सी चालक टैक्सी स्टैंड पर आकर बुकिंग का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों ने कहीं आना जाना बंद कर दिया है, जिसके चलते टैक्सी चालकों के कारोबार पर संकट मंडराने लगा है। टैक्सी चालक सुबह से शाम तक अपनी टैक्सी लेकर टैक्सी स्टैंड पर कस्टमर की आस में बैठे रहते हैं। गिरते तापमान, कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं सड़कें वीरान दिखाई दे रही हैं। कारण कारोबार में फर्क बंद है, कारोबार में बहुत फर्क पड़ा है इस समय, और सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है, ठंड बहुत हो रही है, कारोबार ठप हो चुका है और मौसम भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, ज़्यादा ठंडा हो रहा है। सुबह से खाली खड़े हैं, चार पाँच दिन हो गए, काम आ नहीं रहा और ठंड में लकड़ी जलाए जा रहे हैं बस। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर का आतंक लोगों पर दोतरफा कहर बनकर टूटता दिखाई दे रहा है। लोगों के कारोबार चौपट हैं। अब इंतजार है कि कब मौसम अपने मिजाज बदलेगा, गिरता तापमान कब बढ़ता है और लोगों की जीवनचर्या फिर पटरी पर कब लौटती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर लोगों पर कहर बनकर टूटती हुई दिखाई दे रही। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया, लोगों के कारोबार बंदी की कगार पर है। आखिर अब देखने वाली बात होगी कि अब मौसम अपने मिजाज फिर से चेंज करता है और गिरता तापमान एक बार फिर बढ़ोतरी की ओर जाता है और लोगों की जीवनचर्या फिर से पटरी पर लौट आती है। के न्यूज़ इंडिया, अजहर मलिक, काशीपुर।